session. And for the first session, we are going to have a video session for you all. So that would be more interesting. So as I talked about the aviation abbreviation in the last session of mine, so today we are going to know about all the aviation abbreviation which are used in this sector. So I'm going to share my screen. Hello and good evening, everyone. My name is Vandika Lamba. Welcome to Airforce Aviation Private Limited. Today, we're going to talk about our aviation terminology. Aviation terminology means, जब भी हम airport पे जाते हैं, तो airport staff और airport workers जो वो language use करते हैं, उसके बारे में we're going to teach about you. And this video is very beneficial for all those who are like first time travelers or for those who are into aviation management or who are studying aviation. आपने देखा होगा बहुत बार जब भी हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो employees या कुछ ऐसे words use करते हैं जो हमें पता ही नहीं होते. So today we gonna talk about 40 words which are used in aviation. So next time जब भी आप एयरपोर्ट जाएंगे after this video, जब whenever you gonna travel, it will be very easy for you to understand ki ye sab kya baat kar rahe hain and it will be easy for you to travel. The first word which is terminal. Terminal is your airport building. You must have seen badi cities mein bahut sare terminal buildings hote hain, like terminal 1, terminal 2 and terminal 3. अलग अलग टर्मिनल्स इसके बनाए जाते हैं सो दैट एक ही टर्मिनल बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा पैसेंजर्स की भीड़ और एयरक्राफ्ट की भीड़ इकट्ठी ना हो, इसीलिए अलग टर्मिनल्स बनाए जाते हैं. और कुछ सिटीज में टर्मिनल्स डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का टर्मिनल अलग होता है. क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक पे आपका कस्टम्स इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, वेयर इन इंटरनेशनल पे डोमेस्टिक पे आपका कस्टम्स इमिग्रेशन की कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, इसीलिए ये टर्मिनल अलग अलग बनाए जाते हैं. और व्हेनेवर यू हैव सीन, जब भी आप अपने टिकट खरीदते हैं तो यू मस्ट हैव सीन आपकी टिकट के ऊपर टर्मिनल नंबर लिखा होता है, लाइक योर फ्लाइट विल डिपार्ट फ्रॉम टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 और 1D, लाइक दिल्ली में इट इज लाइक 1T. सो जब भी आप अपनी फ्लाइट लें तो यू शुड ऑलवेज चेक योर टर्मिनल बिल्डिंग टू अवॉइड द चांसेस ऑफ मिसिंग योर फ्लाइट. सेकंड इज योर डिपार्चर गेट. डिपार्चर गेट वो होता है जिससे हम एयरपोर्ट के अंदर घुसते हैं. अराइवल्स होता है जिससे हम बाहर आते हैं. डिपार्चर्स जिससे हम अंदर जाते हैं. वहां पे CISF होते हैं जो हमारी टिकट, पासपोर्ट, हमारे ID हमारे चेक करते हैं. आफ्टर वेरीफाइंग आवर डॉक्यूमेंट्स the CISF people let us in. Okay, this is your departure gate. Your third is your check-in. Check-in means जब आप अपनी टिकट लेके किसी एयरलाइन काउंटर पे जाते हैं, आप अपने उनको टिकट देते हैं, जो भी एयरलाइन का जो ग्राउंड स्टाफ होता है वो आपको बोर्डिंग कार्ड देते हैं, आपका बैगेज देते हैं, वो आपसे आपकी सीट पूछते हैं, आप कौन सी सीट पे बैठना चाहेंगे, आपका बैग चेक इन होता है, तो उस सारे प्रोसीजर को चेक इन बोला जाता है. चेक इन काउंटर इज जिस काउंटर पे आप होते हैं, एक एयरलाइन काउंटर पे, उसे चेक इन काउंटर बोला जाता है. जब भी आप एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं, यू मस्ट हैव सीन देयर आर लॉट ऑफ फ्लाइट्स. ओके, लाइक यू मस्ट हैव सीन विस्तारा, स्पाइसजेट, सो एवरीवन हैज देयर ओन काउंटर्स. तो आप स्क्रीन पे चेक करते हैं कि मेरी स्क्रीन आप स्क्रीन पे चेक करते हैं कि मेरी ये रिस्पेक्टिव एयरलाइन का काउंटर किधर है.
तो वहां पे आपका लिखा होता है रो ए, रो बी, रो सी, तो उसको देख के चेक इन काउंटर पे जाके अपना चेक इन करवाते हैं. नेक्स्ट इज योर चेक इन बैग. जब भी हम ट्रैवल करते हैं हमारे पास दो बैग्स होते हैं, एक होता है हमारा चेक इन बैगेज और दूसरा होता है हमारा हैंड बैगेज. चेक इन बैगेज वो होता है जिसमें हमारा ज्यादा सामान होता है जो एक एयरलाइन के थ्रू हमें अलाउ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एयरलाइंस अलाउ यू 15 केजेस ऑफ बैगेज. ओके, सो दैट इज योर मेन स्टफ विच यू कैरी जो एयरलाइन आपसे लेती है. और जब आप अराइवल से पहुंचते हैं किसी भी सिटी में वो वहां पे आपको आपका सामान दिया जाता है. नेक्स्ट इज योर हैंड बैगेज जिसमें आप अपनी टॉयलेट्रीज, अपना नेसेसरी आइटम्स रखते हैं, यू नो हैंड क्रीम, ऑल हैंड टॉवल, वट एवर स्टफ यू वॉन्ट टू कैरी इन योर हैंड बैगेज, वो आपका हैंड बैग हो जाता है जो आप अपने साथ फ्लाइट में फ्लाइट के अंदर लेके जा सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे चेक इन बैगेज की भी लिमिटेशन होती है, उसी तरह हैंड बैगेज की भी लिमिटेशन होती है विच इज अराउंड 8 to 10 kg. उससे अगर ज्यादा होता है तो यस, एयरलाइंस हैव द फुल अथॉरिटी टू चार्ज फॉर द हैंड बैगेज एज वेल. एंड प्लीज रिमेंबर, जब भी आप हैंड बैगेज लें, इसमें कोई भी आपके शार्प आर्टिकल्स, कोई भी आपके लिक्विड आइटम्स मोर देन 100 ml नहीं होने चाहिए, बिकॉज विच इज नॉट अलाउड. 100 ml से ऊपर कोई भी चीज होती है, लिक्विड आइटम स्पेशली परफ्यूम और यू कैन से अ वाटर बॉटल, अ मिल्क बॉटल, दैट इज नॉट अलाउड. क्यों? क्योंकि वो सिक्योरिटी में आपको नहीं लेके जाना दिया जाएगा. मे बी यू हैव टू थ्रो इट. एंड देर आर ऑल अदर आइटम्स एज वेल विच आर रिस्ट्रिक्टेड इन द हैंड पैकेज. द सेवेंथ वर्ड इज बोर्डिंग पास. बोर्डिंग पास इज समथिंग विच इज गिवन टू यू बाय द एयरलाइन. जब आप चेक इन करवाने जाते हैं आप उन्हें अपनी टिकट देते हैं और एयरलाइन आपको रिटर्न में ये बोर्डिंग कार्ड देती है जिसमें आपका नाम, आपकी फ्लाइट नंबर, डेट, सेक्टर, किस डेट से आपने इस फ्लाइट को पकड़ना है, ये सब आपका लिखा होता है विद योर एयरलाइन नेम. और आप किस कैबिन में ट्रेवल कर रहे हैं, आप बिजनेस क्लास में है या इकोनॉमिक क्लास में है, ये आपका बोर्डिंग कार्ड पे सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं. प्लीज रिमेम्बर, बोर्डिंग कार्ड के बिना आप एयरक्राफ्ट में बोर्ड नहीं कर सकते. जब आप चेक इन काउंटर से ये बोर्डिंग कार्ड लेते हैं, आप सिक्योरिटी गेट पे जाते हैं, सिक्योरिटी इससे स्टैम्प लगाती है, सिक्योरिटी स्टैम्प लगाती है, और यही बोर्डिंग कार्ड आप बोर्डिंग गेट पे जो सीएसएफ अवेलेबल होते हैं उनको दिखाते हैं. इफ इन केस नाउ लेट्स सपोज आप अगर ये बोर्डिंग कार्ड खो देते हैं, लेट्स से आप लाउंज में हैं, वॉशरूम गए हैं, व्हाटएवर, तो अगर आप खो देते हैं तो क्या होता है, तो आप हमेशा एयरलाइन स्टाफ को, जो भी आपके रिस्पेक्टिव एयरलाइन है, आप उसे कॉन्टैक्ट करिए एंड देन दे हेल्प यू टू गेट योर बोर्डिंग कार्ड. फर्स्ट ऑब्वियसली दे फाइंड, दे मेक अ सर्च ऑफ योर बैगेज, लाइक आप लास्ट कहाँ गए थे. इफ इन केस दे आर अनएबल टू फाइंड इट, तो फिर बोर्डिंग कार्ड दोबारा से प्रिंट करवा के और दोबारा से सिक्योरिटी की स्टैम्प करवा के आपको दिया जाता है जिससे कि आप बोर्ड कर सकें. नेक्स्ट इज योर हैंड बैगेज टैग. जैसे मैंने आपको बताया आप हैंड बैगेज में अपना जरूरी सामान लेके जाते हैं. वेन एवर यू पास अ सिक्योरिटी, ओके, सो द सिक्योरिटी फर्स्ट फ्रिस्क यू, ओके, दे विल स्कैन यू कि आपके पास कोई मेटल आर्टिकल्स या you will, they will, they check because they want to make sure that you are not a threat to the airline. Okay, so this is done for the safety of airline, for the safety of aviation and for the safety of the passengers. So when they frisk you, aapka jab aapko frisk kiya jata hai to aapke boarding card pe stamp lagi jati hai ki aapki security ki frisking ho chuki hai, plus aapka hand baggage बेल्ट पे डाला जाता है. और जब आप दूसरी साइड से अपने बैगेज को लेते हैं तो ये हैंड बैगेज टैग होता है जिसपे वो स्टैंप लगाते हैं, मीन्स कि उन्होंने आपका हैंड बैगेज भी चेक कर लिया है. इफ इन केस कोई ऐसी आइटम आपके बैग में से निकलती है, लेट्स से सीजर निकलती है या एनीथिंग, जो भी शार्प आर्टिकल जो अलाउड नहीं है, देन दे आस्क यू टू ओपन योर बैगेज एंड थ्रो. ओनली आफ्टर दैट, जब आप सारी जो रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स हैं जब आप उन्हें फेंक देंगे, सिर्फ उसी के बाद की आपकी सिक्योरिटी का स्टैम्प सिक्योरिटी आपके बैग पे लगाती है. योर नाइन्थ वर्ड इज चेक इन टैग एंड स्टफ.
जब आप अपना बैग चेक इन काउंटर पे देते हैं तो आपका जो मेन बैग है, जो हमारा चेक इन बैग है, चेक इन बैग के ऊपर आपका ये मेन टैग लगता है जिसको हम चेक इन टैग कहते हैं. एंड ऑब्वियसली नाउ यू नीड अ रिसीप्ट ऑफ इट. जो एयरलाइन ने आपके बैग के ऊपर चेक इन का टैग लगाया है, ये टैग तो बैग पे लगाएंगे और वो बैग चला जाएगा और आपको अराइवल्स में मिलेगा. बट देन यू शुड ऑल्सो हैव अ रिसीप्ट ऑफ इट, राइट? सो उस रिसीप्ट को स्टब बोला जाता है. So this, which is there in the third picture, ये छोटा वाला जो स्टब है ये आपके बोर्डिंग कार्ड के पीछे लगाया जाता है, सो दैट जब भी आप अराइवल्स में पहुंचे, इफ इन केस अनफॉर्चुनेटली आपका बैग अगर मिसप्लेस होता है या डिलेड होता है, तो यू शुड हैव अ रिसीप्ट कि मेरे इस बैग का ये नंबर है, सो दैट यू कैन कॉन्टैक्ट योर एयरलाइन. आप उन्हें ये रिसीप्ट देते हैं एंड देन दी ऑनवर्ड प्रोसेस स्टार्ट. नेक्स्ट इज योर कार्गो होल्ड. जो हमारे चेक इन बैग होते हैं वो कहाँ जाते हैं, उसको हम कार्गो होल्ड कहते हैं. कार्गो होल्ड और यू कैन से कंपार्टमेंट ऑल्सो. ओके, सो दिस इज द पिक्चर विच शोज कि आपके जो मेन चेक इन बैग होते हैं वो उनको कार्गो होल्ड बोला जाता है. यहाँ पे सारे बैग्स आपके लोड होते हैं और अराइवल्स में आपको यहीं से अनलोडिंग होके फिर आपको अराइवल टर्मिनल पे मिलते हैं. इज योर सिक्योरिटी चेक. I just mentioned, जब भी आप सिक्योरिटी क्लियर करते हैं उस एरिया को सिक्योरिटी चेक बोला जाता है. यहाँ पे आपकी फ्रिस्किंग, आपके बैगेज की फ्रिस्किंग करके स्टैंप लगा के ही आपको रिलीज किया जाता है. सेकेंड इज योर ड्यूटी फ्री शॉप. ड्यूटी फ्री शॉप जब आप सिक्योरिटी क्लियर करेंगे उसके बाद बहुत सारी आपको ड्यूटी फ्री शॉप्स मिलती हैं, वेयर यू कैन शॉप एंड लॉट ऑफ यू नो ब्रांडेड branded showrooms are there. So you can buy anything whatever you want. You have time. You have lot of time. So yes, you can easily shop there. So these are known as your duty free shops, which is before your boarding gate. The boarding gate pe jaane se pehle jo bhi area hota hai wahan pe ye sari shops hoti hai. Then is your boarding gate, jahan se aap apni flight board karte hai. बहुत सारे पीपल लोग पैसेंजर्स इस डिपार्चर गेट और बोर्डिंग गेट में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं. डिपार्चर गेट आपका होता है जिस गेट से आप एयरपोर्ट के अंदर घुसते हैं, और बोर्डिंग गेट होता है जहां पे आपकी फ्लाइट लगी होती है और जहां पे आप चेक इन सिक्योरिटी करने के बाद फाइनली लास्ट स्टेप आप जब बोर्ड करते हैं उसे बोर्डिंग गेट बोला जाता है. जहाँ पे आप अपना बोर्डिंग कार्ड शो करते हैं, एयरलाइन का स्टाफ होता है, बोर्डिंग कार्ड देखने के बाद वो आपको फ्लाइट पे बोर्ड करने के लिए अलाउ करते हैं. 14th वर्ड इज लाउंज. लाउंज जो है ये एयरपोर्ट की और एयरलाइन की एक फैसिलिटी होती है जो ज्यादातर बिजनेस क्लास और प्लैटिनम या गोल्ड कार्ड पैसेंजर्स को दी जाती है. ये वो फैसिलिटी होती है, फॉर एग्जाम्पल आपकी फ्लाइट में बहुत टाइम है, 2-3 घंटे हैं, यू आर टायर्ड और यू वांट टू टेक रेस्ट, यू डोंट वांट टू गो इन ड्यूटी फ्री व्हाटएवर, सो यू कैन इजीली गो टू द लाउंज. एंड फॉर बिजनेस क्लास गोल्ड एंड प्लैटिनम दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, यू जस्ट नीड टू शो योर बोर्डिंग कार्ड एंड यू कैन अवेल. सो द लाउंज पीपल दे सर्व यू रिफ्रेशमेंट, यू कैन हैव बुक्स मैगजीन्स लाई देयर जब तक आपके पास टाइम है. और फिर जब आपकी बोर्डिंग होती है तो लाउंज में एक प्रॉपर एयरलाइन की तरफ से एक अनाउंसमेंट की जाती है. फॉर एग्जांपल जो जो यात्री दिल्ली मुंबई की फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं वो वट एवर जो भी उनका गेट होता है उसके लिए प्रस्थान करें. तो एक स्पेशल अनाउंसमेंट लाउंज में इन पैसेंजर्स के लिए की जाती है, मोस्टली एज आई जस्ट टोल्ड यू बिजनेस प्लैटिनम एंड गोल्ड कार्ड. 15th वर्ड इज कैबिन. जब हम एयरक्राफ्ट के अंदर जाते हैं तो हमारे क्लासेस होती हैं जिसमें भी आप टिकट लेते हैं, बिजनेस, इकोनॉमी या फर्स्ट क्लास. तो उस कैबिन को यू कैन सी इन द पिक्चर, द फर्स्ट वन यू कैन सी हाउ द सीट्स द सर्विस. सो इस पर्टिकुलर सेक्शन को कैबिन किया जाता है, कैबिन बोला जाता है. फर्स्ट क्लास कैबिन, बिजनेस क्लास कैबिन एंड योर इकोनॉमी क्लास कैबिन. Your next word is cabin crew, और जिसको हम flight attendant भी कहते हैं. cabin crew होती हैं जो हमारी पूरी यात्रा में हमारी मदद करती हैं, हमारी refreshment और जो हमारी safety का ध्यान रखती हैं. Your 17th word is pilot, first officer and the second officer. Pilot is the one who is the main commander of the flight.
जो आपका हवाई जहाज उड़ाता है। फर्स्ट ऑफिसर वो होता है जो पायलट की हेल्प करते हैं, जिनकी सीट राइट होती है, एंड द मेन कमांडर इज ऑलवेज सिट्स ऑन द लेफ्ट। सेकंड ऑफिसर वो होता है जो हमेशा लॉन्ग हॉल फ्लाइट, जो इंटरनेशनल फ्लाइट होती है, उसमें हमेशा तीन कैप्टन मौजूद रहते हैं। योर नेक्स्ट वर्ड इज मील। मील्स इज, वी डोंट से एयरक्राफ्ट फूड, ओके, वी से मील। योर मील्स इज समथिंग जो आपको एयरक्राफ्ट में सर्व किया जाता है, जिसको आप रिफ्रेशमेंट्स भी कहते हैं। ये जो मील्स होती हैं, ये आपकी क्लास, आपकी जो बुकिंग क्लास है, उस पर बहुत डिपेंड करती है। इकोनॉमी क्लास की मील्स का जो मेन्यू होता है और बिजनेस क्लास की मील्स का जो मेन्यू होता है, वो एंटायरली डिफरेंट होता है। इकोनॉमी क्लास का मेन्यू जो होता है, वो एक एयरलाइन के थ्रू फिक्स्ड होता है, ओके, यू कैन नॉट चूज कि मुझे ये खाना है या मुझे वो खाना है। लेकिन बिजनेस क्लास में आपको एक मेन्यू दिया जाता है, जैसे कि हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहां पे बिजनेस क्लास पैसेंजर्स, दे कैन ऑर्डर दैट आई वांट टू, ऑब्वियसली दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट यस, यू कैन से आउट ऑफ 4-5 आइटम्स, दे बिजनेस क्लास पैसेंजर्स कैन चूज व्हाट दे वांट टू ईट। योर नेक्स्ट वर्ड इज आइल सीट। आइल सीट वो होती है जो आपके कॉरिडोर के साथ होती है, सो दैट आप आसानी से उठ सके वॉशरूम के लिए या किसी और सर्विस के लिए, ताकि आपको अपने जो आसपास के जो पैसेंजर्स हैं, आपको उनको उठाना ना पड़े। इट विल बी इजी फॉर यू टू गेट अप एंड सिट। सेकंड इज योर विंडो सीट। विंडो सीट जो होती है, ट्रैफिक खिड़की के पास की सीट होती है, उसे विंडो सीट बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज योर इमरजेंसी एग्जिट रो एंड योर सीट। इमरजेंसी एग्जिट रो और सीट, रो मतलब इस इमरजेंसी एग्जिट रो, ये पूरी जो तीन सीटें इस रो में हैं, इस उसको रो बोला जाता है, और सीट में ये जो तीन सीट्स आप देख रहे हैं, इनको सीट बोला जाता है। ये उन लोगों को दी जाती है जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो, जो कि इमरजेंसी फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। अनफॉर्चुनेटली इफ इन केस पैसेंजर को अगर कोई इमरजेंसी फंक्शन परफॉर्म करना हो, या लेट्स से कोई इमरजेंसी होती है फ्लाइट पे, तो ये जो पैसेंजर्स हो, जो ये यहाँ पे जो तीन पैसेंजर्स हो, ये इस इमरजेंसी गेट को टाइमली खोल सके और बाकी सारे पैसेंजर्स को हेल्प कर सके इस एयरक्राफ्ट से बाहर निकलने के लिए। इसलिए अगर आप बुजुर्ग हैं, अगर आप बच्चे हैं, तो ये सीट आपको एयरलाइन या ग्राउंड स्टाफ आपको नहीं देगा बैठने के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे इमरजेंसी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यू नीड टू बी फिजिकली फिट। नेक्स्ट इज योर ओवरहेड कंपार्टमेंट। ओवरहेड कंपार्टमेंट मीन जहां पे आप अपना हैंड बैगेज रखते हैं, उसे ओवरहेड कंपार्टमेंट बोला जाता है। आपने जब भी, हम भी ऐसे बोलते थे कि बैग ऊपर रख दो, बैग ऊपर रख दो, सो दैट इज नॉट अ करेक्ट वोकैबुलरी। यू मस्ट से ओवरहेड कंपार्टमेंट, जहां पे आप अपने हैंड बैग रखते हैं, जो आपकी सीट के राइट ऊपर होता है। योर नेक्स्ट वर्ड इज योर सीट बेल्ट। ओके, तो जब भी हम या लैंडिंग करते हैं, ये हमारी सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट होता है, जो हमें बांधना होता है। और जब भी हम बांधने को हमेशा एविएशन इंडस्ट्री में बोला जाता है फासन, इंग्लिश में फासन सीट बेल्ट, कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, राइट? आपने बहुत बार ये सुना होगा, उनके मुंह से कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, एंड इट इज यूजुअली डन एट द टाइम ऑफ लैंडिंग एंड टेक ऑफ, ओके, फॉर द सेफ्टी पर्पस। नेक्स्ट इज योर फ्लाइट सेफ्टी अनाउंसमेंट। जो आपने देखा होगा, व्हेनेवर यू हैव ट्रैवल, क्रू जो होता है वो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हाउ टू यू नीड टू यूज द ऑक्सीजन मास्क, द फ्लाइट सेफ्टी मैनुअल्स जो होते हैं फ्लाइट पे, वो आपको पढ़ के बताती हैं, एंड दे गिव यू अ बॉडी लैंग्वेज। वो मेन सीट पे खड़े होके आपको बताते हैं कि आपको सीट कैसे बांधनी है और कैसे खोलनी है। ऑल दोज इंस्ट्रक्शंस को फ्लाइट सेफ्टी अनाउंसमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट इज योर फ्लाइट मैनुअल। एज आई जस्ट टोल्ड यू, ये फ्लाइट मैनुअल होता है, ये आपकी एकदम सीट के सामने पड़ा होता है। इट इज लाइक अ स्मॉल बुकलेट, जिसमें सारे सेफ्टी मेजर्स दिए होते हैं,
फॉर एग्जाम्पल फ्लाइट अगर कल को इमरजेंसी में हो तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपके साथ बड़े हैं बुजुर्ग हैं, तो कैसे और क्या फ्लाइट सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने होते हैं. 29th वर्ड इज PSU, जिसको बोला जाता है पैसेंजर सर्विस यूनिट. हम बोलते हैं बटन दबा दो, राइट, जो एकदम हमारी सीट के ऊपर होता है हम कहते हैं बटन दबा दो क्रू आ जाएगी. तो डोंट से व्हेनेवर यू ट्रैवल नेक्स्ट टाइम, डोंट से बटन दबा दो. So now after this video you can understand it is known as PSU. Okay, so PSU आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये बटन होते हैं जहाँ पे आपका एसी का बटन होता है और आपकी रीडिंग लाइट्स होती हैं इसमें, और एक बटन होता है टू कॉल द क्रू व्हेनेवर यू नीड समथिंग. लेट्स से यू नीड वाटर, जूस और समथिंग, यू कैन कॉल द क्रू एंड शी गेट द साइनेज व्हेरेवर शी इज सिटिंग दैट सो एंड सो सीट नंबर हैज कॉल्ड मी. सो दीज buttons are called PSU. So next time, no buttons, PSU. Next, our 30 word is IFT. So, when we travel as a normal passenger, we say TV, flight ka TV. No, don't use this words again. It is not a TV. It is known as your IFT, which is known as in-flight entertainment. Isme, it is like a TV, but do not use this in aviation vocabulary. IFE means जिसमें आपकी movies, आपके songs ये सब होते हैं. Long haul flights पे आप इनको देख सकते हैं. इसके साथ एक आपके headphones attached होते हैं जिससे आप लगा के you can kill your time for the long haul flights. Next is your runway. A runway is something जिसपे आपका aircraft land और take off करता है. इस aircraft में अलग अलग markings होती हैं which is कैप्टन की टीचिंग्स और उसकी नॉलेज में होती है कि कैसे हमें टेक ऑफ करना है, कहाँ टेक ऑफ करना है, कब टेक ऑफ करना है. तो ये जो सारी मार्किंग्स होती हैं एज पर दोस इसको रनवे बोलते हैं. नेक्स्ट इज योर कॉकपिट. कॉकपिट इज जैसे मैंने आपको बताया कि पीछे के जो सेक्शंस होते हैं उन्हें कैबिन बोला जाता है. फर्स्ट कैबिन, बिजनेस क्लास कैबिन और इकोनॉमी कैबिन. लेकिन जो जहाँ पे कैप्टन बैठते हैं उन्हें कैबिन नहीं, उसे कॉकपिट बोला जाता है. नेक्स्ट वर्ड इज योर कंट्रोल कॉलम. कंट्रोल कॉलम इज जब हम गाड़ी चलाते हैं हम अपनी गाड़ी के स्टेयरिंग को स्टेयरिंग कहते हैं, लेकिन फ्लाइट के स्टेयरिंग को स्टेयरिंग नहीं कहते, फ्लाइट के स्टेयरिंग को कंट्रोल कॉलम कहते हैं. योक, अनदर वर्ड फॉर कंट्रोल कॉलम इज योक. सो दिस इज नॉट अ स्टेयरिंग फॉर द कैप्टन, दिस इज हिज कंट्रोल कॉलम. योर नेक्स्ट वर्ड इज मोशन सिकनेस. यू मस्ट हैव सीन बहुत लोगों को जब भी वो फ्लाइट पर ट्रैवल करते हैं बहुत प्रॉब्लम होती है. मेनी पीपल आर वेरी एलर्जिक, वो इतनी हाई एल्टीट्यूड से फ्लाइट नहीं कर सकते. सो वट एवर यू नो, कोई किसी को उल्टी आ रही है, किसी को कान में दर्द हो रहा है या किसी को चक्कर आ रहे हैं, तो इन जितनी भी एलर्जीज या जो भी नेगेटिव फ्लाइंग के दौरान होता है उसको मोशन सिकनेस बोला जाता है. नेक्स्ट वर्ड इज योर चेकलिस्ट. Checklist is something जो first officer and the commander of the flight they check that everything is correct. Okay, so both the captains, first officer and the commander, they both have the same checklist and they tick. जैसे हम for example in a layman's language जब हम अपने घर का राशन लेने जाते हैं हम अपने घर से एक लिस्ट बना के जाते हैं, right? हम उसे checklist कहते हैं, हम उसे कहते हैं grocery item. तो एविएशन वर्ल्ड में इस चीज को चेकलिस्ट बोला जाता है, वेयर उनकी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी होती है. फॉर एग्जांपल फ्यूल, हाउ मेनी पैसेंजर्स आर ऑन बोर्ड, हाउ मेनी टन्स ऑफ कार्गो इज देयर एनी एनिमल ऑन बोर्ड. सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर ऑन देयर चेकलिस्ट व्हिच दे मेक श्योर इट इज देयर बिफोर टेक ऑफ एंड लैंडिंग. Our next word is takeoff. Okay, after all the procedure, जब flight land को छोड़ती है उसे takeoff बोला जाता है. Landing, जब आप वापस अपने जहां से आपने अपनी journey शुरू की होती है, जब आप वापस अपनी country, अपनी city में आते हैं, जब आपका aircraft touch down होता है runway पे, जब आपका aircraft land करता है उसे हम landing कहते हैं. Your next is conveyor belt. Conveyor belt is जब हम आके arrival, जब हम landing के बाद terminal building में जाते हैं, arrival hall में जाते हैं, वहां पे
अब हमें हमारा अब दिस इज द पॉइंट व्हेन वी डी यूनाइट विद आवर अराइवल, हम जो हमने अपना चेक इन बैग किया होता है तो वो कहाँ आता है, वो आता है कन्वेयर बेल्ट के। तो ये पिक्चर में जो आपको दिख रहा है इसको कन्वेयर बेल्ट कहते हैं। यहाँ पे आपका फ्लाइट नंबर, फ्लाइट का फ्लाइट कौन सी आपकी फ्लाइट है, नंबर, डेट, ये सब लिखा होता है। जब भी आप टर्मिनल बिल्डिंग में एंटर करते हैं आप अपनी फ्लाइट चेक करते हैं कि मेरी इस फ्लाइट का जो सामान है वो किस बेल्ट पे आ रहा है। तो जब भी आप अराइवल बिल्डिंग में पहुंचेंगे आप बहुत सारी कन्वेयर बेल्ट देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, सो यू डोंट नो, तो आप स्क्रीन पे चेक करते हैं कि मेरी इस फ्लाइट का बैगेज कौन सी बेल्ट पे है। सो लेट्स से इट सेज बेल्ट नंबर 3, तो आप बेल्ट नंबर 3 पे जाके वेट करेंगे एंड देन स्लोली आपका बैगेज जो है वहां पे आना शुरू करता है। आप अपना बैग उठाते हैं एंड देन यू एग्जिट द एयरपोर्ट। Your next word is fence. जैसे मैंने आपको बोला जो भी फ्लाइट इंफॉर्मेशन होती है हम स्क्रीन पे चेक करते हैं, तो aviation terminology में स्क्रीन नहीं बोला जाता, इसको फिड्स बोला जाता है, जिसको हम फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम बोलते हैं। Your next word is custom. तो जो बेसिकली इंटरनेशनल फ्लाइट होता है, जब भी आप कोई इंटरनेशनल फ्लाइट लेके वापस आ रहे होते हैं तो आपको मैंडेटरी होता है कि कस्टम पॉइंट क्लियर करना, सो दैट आपके पास चीज को डिक्लेयर करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई टीवी लेके आ रहे हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लेके आ रहे हैं तो यू नीड टू पे द टैक्स टू द कंट्री, और यहाँ पे फॉर्मेलिटीज कम्प्लीट करने के बाद यू एग्जिट द एयरपोर्ट। So I hope these are all the 40 basic and very important words which I have summed up. Now I hope after this video, next time whenever you travel, you must be knowing ki isko kya kehte hain. It will be easy for you, for all the first time travelers and for the students as well. Okay? I hope aapko hamara video acha laga ho. If in case you have any doubts, my information is right there on the second page. You are very welcome to contact us. Thank you. My name is Vandika, Air Cruise Aviation Private.